नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हमर दाऊ यानी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनका जन्मदिन आज पूरा प्रदेश मना रहा है, उनका सहज सरल स्वभाव उन्हें जनता से जोड़ता है, जिसके कारण प्रदेश की जनता और कार्यकर्ता उनके साथ अपनापन महसूस करते हैं। देखिए हमारी खास पेशकश हमर दाऊ। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जन जन के प्रिय भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थ हैं और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की अपनी परिकल्पना को साकार करने में लगे हैं। दाऊ घराने से निकलकर अपनी राजनीतिक दूरदृष्टि के साथ छत्तीसगढ़ की परंपरा का निर्वहन करते हुए हमर मुख्यमंत्री भूपेश अब हमर दाऊ बन चुके हैं। समय का पहिया कब और कैसे आगे बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता। आने वाले दिसंबर में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को 4 साल पूरे हो जाएंगे। भूपेश सरकार के सामने कोरोना की वजह से दहशत और लॉकडाउन में अनेक चुनौतियां भी सामने थी। जिस तरह से समय का पहिया आगे बढ़ता गया, ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ में विकास का पहिया चुनौतियों के बीच भी कभी थमा नहीं। प्रत्येक मुश्किलों और बाधाओं में भी छत्तीसगढ़ की सरकार जनता के लिए, जनता के साथ खड़ी रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में अपनी योजनाओं और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से सम्मान हासिल करने के साथ छत्तीसगढ़ देश में अपनी एक अलग पहचान भी बनाता जा रहा है और इसका श्रेय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जाता है। भूपेश बघेल का जन्म 23 अगस्त 1961 को अविभाजित मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले के पाटन ग्राम में एक किसान परिवार में पिता नंद कुमार बघेल और माता बिंदेश्वरी बघेल के घर हुआ। भूपेश का विवाह स्वर्गीय डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की ज्येष्ठ पुत्री मुक्तेश्वरी से 3 फरवरी 1982 को हुआ। बता दें कि भूपेश बघेल को मुक्तेश्वरी के लिए स्वामी आत्मानंद ने चुना था, जो नरेंद्र देव वर्मा के बड़े भाई थे। ये एक दुर्लभ संयोग सिद्ध हुआ। स्वामी जी ने पढ़े लिखे कृषि कार्य में दक्ष दाऊ घराने के एक सामान्य युवक को चुना। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा 1977 में राजनीति में आना चाहते थे। वे चुनाव लड़ने का संकल्प ले चुके थे, लेकिन उनके अग्रज स्वामी आत्मानंद ने उन्हें रोक दिया। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा तो चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन उनके दामाद ने राजनीति की रपटीली राहों पर संघर्ष के दम पर न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि जीता भी। किसान परिवार के एक स्वस्थ सुंदर युवक के भीतर छिपी संभावनाओं को स्वामी आत्मानंद ही पहचान सकते थे। आज वैचारिक स्तर पर भूपेश बघेल की गिनती छत्तीसगढ़ के गिने चुने गंभीर जन नेताओं में होती है। निश्चित रूप से उनके इस विकास में स्वामी जी के परिवार से मिली विपुल वैचारिक पूंजी का पर्याप्त हाथ है। दाऊ घराने का सामान्य सा युवक राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते हुए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। 1980 के दशक में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले भूपेश बघेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक है। उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री के कार्यकारी के रूप में भी कार्य किया। 1985 में वे भारतीय युवा कांग्रेस में शामिल हुए और दुर्ग जिले के अध्यक्ष बनाए गए। 1993 में पाटन निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार चुने गए। 1993 से 2001 तक मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के निदेशक रहे। 1990 से 1994 तक जिला युवक कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष रहे। बघेल को वर्ष 1994 में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया। वे वर्ष 1998 में विधानसभा के लिए फिर चुने गए और दिग्विजय सिंह सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए। साल 2000 में जब छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया, तब बघेल राजस्व, लोक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और राहत कार्य के पहले मंत्री बने और वर्ष 2003 तक इस पद पर बने रहे। बाद में इसी क्षेत्र से साल 2003 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य बने और 2003 से 2008 तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के उपनेता नियुक्त किए गए। साल 2004 में उन्होंने दुर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से संसदीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2009 के आम चुनाव में भी उन्हें भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ हार मिली। साल 2014 में उन्हें कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साल 2018 में विधानसभा चुनाव भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही लड़ा गया।
और इस विधानसभा चुनाव में बघेल ने न सिर्फ पाटन सीट से विजय हासिल की बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बम्पर जीत दर्ज की। ऐतिहासिक जीत के बाद भूपेश बघेल को राज्य की कमान सौंपी गई और उन्होंने राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्य की भूपेश बघेल सरकार के 4 साल पूरे होने को है। प्रदेशवासियों को राज्य की संस्कृति, पारंपरिक त्योहार और खेलों से जोड़े रखने के लिए बघेल ने पहले दिन से ही छत्तीसगढ़ की अस्मिता और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सर्वाधिक महत्व दिया। इसके अलावा किसानों की कर्ज माफी के साथ ही धान खरीदी का काम सरकार ने लगातार जारी रखा। सरकार बनने के बाद नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जैसी योजनाएं शुरू की। इस योजना से आज किसानों की आमदनी बढ़ रही है, साथ ही कई अन्य फायदे भी सामने आ रहे हैं। गौधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदने जैसी अनूठी योजना भी शुरू की गई। अब इस योजना की चर्चा पूरे देश में हो रही है। हाल ही में नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस योजना की तारीफ की है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने में जुटे भूपेश बघेल का ये सफर लगातार जारी है। अपनी योजनाओं और अपने अलहदा अंदाज के चलते मुख्यमंत्री जन जन के बीच लोकप्रिय हो चुके हैं। प्रदेश की जनता उन्हें प्यार से कका और हमर दाऊ कहकर पुकारती है। कहते हैं कोई काम चुनौतियों से भरा हो लेकिन जब उसमें सफलता मिलती है तो उसका मजा ही अलग होता है, क्योंकि ये सफलता विश्वास और भरोसे पर मिलती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिन्हें प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले विरासत में वनवास और हर मोर्चे पर परेशानियों से जूझती हुई कांग्रेस पार्टी की कमान मिली थी। लेकिन भूपेश बघेल ने हर चुनौती को स्वीकार किया और हर मोर्चे पर सफलता पाई। छत्तीसगढ़ में जब 2018 विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस ने इतिहास रच दिया था, जिसके सूत्रधार भूपेश बघेल ही थे। आज हम आपको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उसी सफलता के बारे में बताने जा रहे हैं जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के साथ छत्तीसगढ़ को आगे ले जा रही है। उनके कार्यों की चर्चा आज पूरे देश में होने लगी है। भूपेश से तो भरोसा है, हमारा दाऊ भूपेश बघेल, किसान का बेटा भूपेश बघेल। भूपेश बघेल हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। हमर दाऊ भूपेश बघेल, हमर काका भूपेश बघेल, सबले बढ़िया भूपेश बघेल। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है, जिन्हें न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में कांग्रेस के स्तंभ के तौर पर जाना जाता है। लेकिन उनका सियासी सफर चुनौतियों से भरा रहा है, जिनके कंधे पर एक साथ कई जिम्मेदारियां हैं। आज के वक्त में कहा जाता है कि राजनीति में वही लोग सफल होते हैं जिनके पास नाम, रुतबा और पैसा होता है। लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने इस बात को गलत साबित किया, क्योंकि उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और उसी जमीन से जुड़कर वो आगे बढ़े और आज छत्तीसगढ़ के सीएम और किसानों के मसीहा के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनवाई। उनकी सहजता हर किसी को लुभाती है। वैसे ही जगदलपुर और कोरिया से भी भूपेश है तो भरोसा है कि गूंज सुनाई पड़ती है। इस समय हमारे साथ जगदलपुर जिले के जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भूपेश है तो भरोसा है। भैया, भूपेश है तो भरोसा, ये आज सोशल मीडिया में बहुत दूर से समय से चल रहा है, क्या कहेंगे? भूपेश है तो क्या भरोसा हो सकता है? कहीं ना कहीं 15 वर्ष की पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल और जिस प्रकार ने प्रदेश के अध्यक्ष तात्कालिक हमारे माननीय भूपेश बघेल जी थे, उनके नेतृत्व में जो संघर्ष किया, जो जनता के बीच में वास्तविक मांग थी, जो जनता जिन समस्याओं से जूझ रही थी, उनको जमीनी हकीकत में जो कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में एनालिसिस किया और ठीक सरकार बनने के बाद जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो चूंकि वो जनता के बीच जुड़े हुए थे, ग्राउंड लेवल पे उन्होंने सारी समस्याएं जनता की समझी थी, परखी थी, इसलिए उन्होंने 3.5 साल में जो जनता के बीच सुलभ पहुंच का, सरलता के साथ मिलने का, सभी लोगों की बात को सुनने का और
तात्कालिक प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जो उनका एक फेम बन चुका था हमारे पांचों संभाग के लिए, चाहे वो सरगुजा की बात करें, चाहे बस्तर की बात करें, चाहे दुर्ग की बात करें, बिलासपुर की बात करें, रायपुर की बात करें, उस फेम के एनालिसिस पे उन्होंने वो काम कर दिखाया जो 15 वर्ष में रमन सरकार की इच्छा शक्ति ही देखने को नहीं मिली। चाहे अब हम बात करें शपथ ग्रहण के 2 घंटे के बाद किसानों के कर्जा माफ की, जहां एक और आपने देखा होगा कि किसान लगातार रमन सरकार में आत्महत्याएं कर रहे थे, अपनी समस्याओं से कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, और जैसे ही हमारी सरकार बनी और सरकार ने सर्वप्रथम 2 घंटे के अंदर उनका कर्ज माफ कर दिया, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसा करने वाली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की छत्तीसगढ़ राज्य की पूरे देश के अन्य राज्यों की तुलना में पहली सरकार है। भूपेश बघेल जी है वो, उनके का अगर व्यवहार की बात करें मुख्यमंत्री बनने से पहले या मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन है, क्योंकि आप उनके साथ में रहे, शुरू से लेकर साथ में रहे, उसके बाद विधायक भी बने, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, हम लोग लगातार संघर्ष के दिनों से हम उनके साथ कांग्रेस पार्टी के लिए जनता के हित में काम करते रहे। और भूपेश बघेल जी बहुत ही सरल, सहज और एक एक कार्यकर्ता को दिल से प्यार करते हैं, दिल से उनकी बात को सुनते हैं और बहुत हसमुख व्यक्तित्व है। चुनाव के पहले जब संघर्ष के दिन थे तब भी हम लोगों का मनोबल बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता था और हमेशा यही कहते थे संघर्ष करना है जनता के लिए। उन्होंने जो योजनाएं दी है कि जो हमारा अन्नदाता है सबसे पहले उसको मजबूत करना उनका लक्ष्य था, कर्ज माफी की घोषणा की, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों की समृद्धि के लिए काम किया, नरवा गरवा धुरवा बाड़ी के कॉन्सेप्ट को लेकर हमारे वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वन अधिकार पट्टा देने की बात हो, उसी तरीके से हमारे लौंडीगुड़ा जैसे क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन जो पिछली सरकार ने प्लांट के नाम से लिया था उसको वापस करने का काम हो, और युवाओं के लिए जो लगातार शिक्षा नीति को लेकर, आम जनता के स्वास्थ्य को लेकर जो काम कर रहे हैं, इससे छत्तीसगढ़ की जनता को पूरा भरोसा है। और इन्होंने तो ऐसे तीज त्यौहार संस्कृति जो हमारे छत्तीसगढ़ की परंपराएं हैं उसको आज तक किसी मुख्यमंत्री ने अवकाश नहीं दिया, उसको अवकाश घोषित किया कि हम अपनी संस्कृति को अक्षुण बनाए रखें, हर्षोल्लास के लिए अपने त्यौहार मनाएं। तो ये जो सब सारा काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो किया है उससे आम जनता के मुँह से एक ही आवाज़ आती है कि भूपेश है तो भरोसा है। और भूपेश जी ने जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया था उस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। भूपेश सरकार की योजनाओं से कोरिया में जहां महिलाएं आत्मनिर्भर हुई, वहीं गौधन न्याय योजना से श्याम जायसवाल को मनपसंद जीवन साथी मिल पाई। सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बेहतर कदम उठाया है। गौठानों में आज महिलाएं काम करके आत्मनिर्भर बन रही हैं। मनेंद्रगढ़ की प्रीति टप्पो भी महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण है। आइए उनसे ही जानते हैं कि गौठान में काम कर वो कैसे आत्मनिर्भर बनी हैं। इससे पहले मैं जगह जगह मजदूरी का काम करती थी और जब से मुख्यमंत्री जी ने गौठान योजना चालू किया, इसमें मैं और मेरी समूह की महिलाएं हैं खाद बनाने का काम करती हैं। इससे हमें 93 लाख रुपए का हमने खाद बेचा है और हमें लाभांश प्राप्त हुआ है 35 लाख रुपए। इससे मेरी समूह की महिलाएं, हम सब लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पहले पशुपालन कर अपना और अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता हूं। इस योजना के प्रारंभ होने से पहले मैं केवल दूध विक्रय कर अपने और अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता था और उस समय मेरी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी के इस महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना के शुभारम्भ करने के पश्चात मैंने लगभग 2,25,000 किलो गोबर का विक्रय किया, जिससे मुझे लगभग 4 लाख
50,000 की राशि अर्जित हुई। इस राशि से सर्वप्रथम मैंने एक नवीन शेड का निर्माण करवाया गोवंश के अच्छे रखरखाव के लिए, और साथ ही साथ अच्छे नस्ल के गोवंश में वृद्धि की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस योजना के प्रारंभ होने के पूर्व मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी ना होने के कारण मेरे विवाह में भी कुछ अड़चने आ रही थी, लेकिन इस योजना के प्रारंभ होने के पश्चात मेरी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ, और जिसके फलस्वरूप मेरे लिए नए नए अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने लग गए, और वर्तमान में 19 जून 2022 को मुझे मेरी मंशा के अनुरूप मेरी धर्मपत्नी भी मिली। देखिए माननीय भूपेश बघेल जी की जो का व्यक्तित्व है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो जिस प्रकार संगठन में रहते हुए प्रशासनिक अमलों में जो उनका दबाव और काम करने का तरीका है, उतना ही अच्छा वह संगठन में भी किस प्रकार काम किया जाता है उनका जो अपार अनुभव है। जिस प्रकार जब यहाँ पर 15 साल तक बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, उन्होंने जिस प्रकार एक एक कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर बूथ मैनेजमेंट का काम सिखाया, उसके बाद एक मुख्यमंत्री के रूप में गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ के रूप में नरवा घुरवा बारी और मनेन्द्रगढ़ को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जिले बनाने का काम, और आत्मानंद स्कूल एवं अन्य विकास कार्यों की जो भारी सौगात इन्होंने किसानों को, छात्रों को, बेरोजगारों को, महिलाओं को, पुरुषों को दिया, उसी के साथ जब उनको संगठन में काम करने की बात आती है तो देर रात को अगर वह यहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यालय में मीटिंग करते रहते हैं और शाम को सुबह पता चलता है कि 2 घंटे के अंदर ही वह दिल्ली में जाकर कांग्रेस के एक संगठन के एक कार्यकर्ता के रूप में भी वहाँ पर रहकर अपना नेतृत्व करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदरणीय भूपेश बघेल जी हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि दाऊ किसे कहते हैं। दाऊ से जब से हम लोग जुड़े हैं छत्तीसगढ़ के, हम पर मुखिया भूपेश दाऊ बनी से छत्तीसगढ़ी भाषा में मैं बोला था, जब से भूपेश दाऊ हर बनी से छत्तीसगढ़ के सरकार लगातार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के परिकल्पना के साथ छत्तीसगढ़ बढ़ा थे। भरतपुर विधानसभा की अगर मैं बात करूँ तो आप देखवा 26 गाँव ऐसे गाँव है जहाँ आज़ादी के बाद से बिजली नहीं रही से, वहाँ बिजली लगा थे। और सबसे बड़े बात मामला अच्छा लगी से कि भूपेश भैया से हम अल्लाह ये सीखे कि मिले से, चाहे विधानसभा की बात हो चाहे विधानसभा के अंदर, विधानसभा के अगर बात करें हमन तो विधानसभा में भूपेश भैया हमन हर नया विधायक ला बोली से कि सबसे पहले अगर विधानसभा और सदन में आना है तो आप अपन तैयारी करके आवा, एक दिन पढ़ा, दो दिन पढ़ा, पूरे पढ़ाई करके आना, विधानसभा में बिना पढ़े बिना तैयारी के नहीं आना है ना ही बात करना है, ये हमन भूपेश दाऊ से सीखे मिली से। दूसर बात अगर राजनीति की अगर बात करें तो भूपेश दाऊ से ये हम अल्लाह सीखे अवसर मिली से, कोनो परिस्थिति में हो, विषम परिस्थिति में कैसे काम करना है और वो मैं काम करके निकल जाना है, और किसानन के लिए छत्तीसगढ़िया सरकार है लगातार हमारे चिंता कर रहे थे किसानन के लिए, गरीबन के लिए, आदिवासी भाई मन के लिए, एकर लिए प्यार से लोग भूपेश दाऊ बोला कहे जाते। मेरा जो अनुभव रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस कमेटी के, उस समय से लेकर आज तक बहुत सारी जो चीज़ें थी जो जनता को नहीं पता थी वो मुख्यमंत्री बनने के बाद पता चली। उनका जो त्वरित फैसला लेने का, निर्णय करने का जो अंदाज है वो बहुत ही बखूबी वो निभाते हैं उस अंदाज को। माननीय मुख्यमंत्री जी जब से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने, आपने देखा होगा 15 सालों में कभी भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने हैं छत्तीसगढ़िया संस्कृति आज प्रदेश में नहीं देश में विख्यात हुई है। एक टाइटल मिला हुआ है मुख्यमंत्री जी को, कका, बहुत लोकप्रिय हुआ है टाइटल के साथ, सीएम भी बहुत लोकप्रिय हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको आप? लोगों का उनके प्रति देखने का जो नजरिया, जो विश्वास और जो प्रेम है वो उन्हें कका बोलने पर लोगों को मजबूर करता है। दाऊ जी से भी बहुत सारे लोग संबोधित करते हैं, लेकिन जो युवा वर्ग है वो उन्हें कका से संबोधित करता है और वो उससे बहुत खुश भी होते हैं। लगातार हमारे संगठन में भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लगातार वो छात्र नेताओं का, NSY के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते रहते हैं। किसी भी प्रोग्राम में हम लोग जब भी जाते हैं तो NSY के जिंदाबाद के नारे वो खुद से लगाकर इस बात को साबित करते हैं कि वो NSY से बहुत प्रेम करते हैं, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। लगातार युवाओं को मौका देते हैं, मेरे जैसे एक NSY के कार्यकर्ता को भी उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका दिया, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं युवा, माननीय देवेंद्र यादव जी हैं जिनको सबसे कम उम्र, बहुत देश का सबसे कम उम्र का मेयर बनने का उनको मौका दिया, और प्रदेश में अभी सबसे कम उम्र के विधायक के तौर पर भी उनको टिकट दिया और
मौका दिया विधायक बनने का, तो लगातार उनका युवाओं के और छात्रों के प्रति जो प्रेम है वो उनकी इंसानियत को, उनके चरित्र को बखूबी बयां करता है। कुल मिलाकर एक बार फिर से ये बात साबित हो गई है कि भूपेश है तो भरोसा है। जगदलपुर से जीवानंद हलदर, कोरिया से रविकांत सिंह, रायपुर से मोनिका दुबे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के बच्चों से लेकर बड़ों तक में लोकप्रियता का शिखर छू रहे हैं। विपक्ष के रूप में भी उन्होंने अपनी जो उपस्थिति दर्ज कराई वो देश में चर्चा का विषय है। वैसे तो भूपेश बघेल बेहद सरल स्वभाव के हैं, लेकिन जब उनके सामने जनता के हित और न्याय के मामले आते हैं तो उनकी आक्रामकता सभी ने देखी है। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर उनका स्वभाव ऐसा है कि कांग्रेस का जमीनी स्तर का कार्यकर्ता भी सीधे तौर पर उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं जो राज्य की राजनीति के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी अपनी पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। उन्होंने पार्टी के भीतर ऐसा आत्मविश्वास पैदा किया कि कोई भी पदाधिकारी बेखौफ अपनी बात रख सके। विपक्ष में रहने के दौरान भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम बखूबी किया था। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष रवि देवांगन जी। सीएम साहब के साथ इनके अनुभव को आज हम इनसे चर्चा करते हैं कि सरकार आने से पहले और सरकार में रहते हुए वे किस प्रकार काम कर रहे हैं। सबसे पहले आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमारे काका जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और मैं अपना अनुभव बताता हूँ, जब हम विपक्ष में थे तो जब भी हम उनसे मिलते थे तो एक नया ऊर्जा उत्पन्न होता था। जब हम विपक्ष को सरकार, भाजपा की सरकार को मुँह तोड़ जवाब दिया करते थे आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, तो एक नया ऊर्जा का विकास होता था हमारे में। और जब से सरकार हमारी कांग्रेस की आई है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, तो आज स्वास्थ्य के मामले में नारायणपुर ज़िले में आज जिले के अंतिम व्यक्ति को स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है। आज शहरी सलाम योजना के माध्यम से हर वार्डों में, नगर में स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है और आम जनता को, अंतिम व्यक्ति को घर तक स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है। आज गरीब बच्चे यहाँ पे नारायणपुर ज़िले के जितने भी गरीब बच्चे और प्रदेश के गरीब बच्चे आज इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सबसे पहले यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए नारायणपुर में आगमन हुआ, और नारायणपुर आने के बाद जब यहाँ एक दिन रुके और यहाँ के लोगों से चर्चा किए और यहाँ पर सभी समाज को उनके जो सामाजिक भवन के लिए उनके मांग अनुसार उनको राशि दिए, इसमें सभी समाज के लोग खुश हुए। चाहे बात नारायणपुर की हो या बलौदाबाजार की, कमोवेश पूरे प्रदेश में भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश भरा है। भैया, किस प्रकार का अनुभव था जब सीएम नहीं बने थे और अब जब सीएम बन चुके हैं? हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले से था। जब वो प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के, उस समय मैं जिला कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता भी था। और जिन सहजता के साथ और बहुत सरलता के साथ वो संगठन के कामों के लिए हमसे चर्चा करते थे, और जब भी अवसर मिलता था, चाहे पदयात्रा हो, बड़ौदाबाजार से रायपुर की पदयात्रा हो, बिलासपुर से रायपुर की पदयात्रा हो, पदयात्रा में उनके साथ शामिल रहे और बैठकों में जाते थे तो 1-to-1 वो चर्चा भी करते थे। और कहीं पर भी राह चलते उनके साथ बहुत ही सहजता के साथ हम उनसे बात करते थे, और अवसर मिलने पर वो भी हमको पुचकार के, पीठ थपथपा के बात करते थे। तो जो सहजता हमारे मुख्यमंत्री जी में पहले प्रदेश अध्यक्ष के समय थी, वो आज भी है। युवाओं के कका और छत्तीसगढ़ के मुखिया हमर दाऊ भूपेश बघेल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उन चेहरों में शामिल हो गए जिनकी कर्मठता और राजनीति पर पार्टी सबसे ज्यादा भरोसा करती है। पूरा छत्तीसगढ़